होते बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब ठीक हो। स्थिति में हम पाठशाला जाके पढ़ नहीं सकते हैं, इसीलिए अपने प्रिंसिपल से रमेश सर के आदेशों के अनुसार हम लोग अपने स्कूल के ऐप यानी सेंट गैब्रियल ऐप के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो हम अब चलेंगे अपने पाठ की ओर। हमारे पहला पाठ का नाम है बरसते बादल और ये एक कविता है। इसे कहते हैं विधा, कविता विधा। तो हम छठवीं कक्षा से अब तक पूरे विधाएं पढ़ चुके हैं, जैसे कविता, कहानी, डायरी, संवाद, बहुत सारे विधाएं हैं। तो आज हम कविता विधा के माध्यम से इस पाठ को शुरू करने वाले हैं। हाँ, यहाँ देखिए बच्चों, बरसते बादल। तो आप बताइए आपको कौन सा मौसम बहुत पसंद है? मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को बारिश का मौसम बहुत बहुत पसंद होता है। किस लिए? क्योंकि बारिश में मौसम अच्छा लगता है। गर्मी के बाद जो भी बारिश का मौसम आता है वो सुहाना होता है। और अब चलेंगे, आपको बारिश के मौसम में क्या क्या पसंद है और बारिश कैसा होता है? पेड़ पौधे, हरियाली तो सबको पसंद होता है। और बारिश में क्या क्या होता है? पहले मेघ गरजते हैं, उसके बाद बादल बरसाते हैं। तो आज का हमारा यहाँ पाठ है बरसते बादल। चलिए पाठ की ओर जाते हैं। देखिए, ये है पाठ का नाम बरसते बादल और इस कविता का कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत और वे हमें उन्मुखीकरण के माध्यम से बता रहे हैं। क्या गाती हो, किसे बुलाती हो, बतला दो कोयल रानी, प्यासी डरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। यानी हम लोग कोयल को पूछ रहे हैं, क्या गाती हो तुम, कुहू कुहू गाते हो ना, क्या गाते हो, किसे बुलाती हो और बुला रहे हो किसको, बतला दो कोयल रानी, जरा हमें भी बताओ। प्यासी धरती देख मांगती, इस प्यासी धरती को देखकर क्या मेघों से पानी मांग रहे हो? तो हमें समझ में आ गया है, यहाँ कोयल प्यासी धरती को देखकर मेघों से पानी मांग रहा है। और इस प्रकृति से संबंधित कविता के माध्यम से यहाँ पर कुछ प्रश्न दिया गया है। चलिए इस प्रश्नों का भी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, मीठे गीत कौन सुनाती है? बताइए मीठे गीत कौन गाते हैं? कोयल गाती है। और प्यासी धरती पानी किससे मांगती है? किससे मांग रही है? मेघों से मांग रही है। बादल प्रकृति की शोभा बढ़ाते हैं, कैसे, किस प्रकार बढ़ाते हैं? जब बादल छा जाता है, बारिश होने वाला है, हमें मौसम बहुत सुहाना लगता है और वह प्रकृति की शोभा बढ़ाती है। और आगे जाएंगे, देखिए इस पाठ का उद्देश्य यानी बरसते बादल इस पाठ बच्चों आपको देने का क्या उद्देश्य है? आप लोगों को भी प्रकृति की सौंदर्य के बारे में बताना चाहते हैं। आप भी कुछ कविता के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं, आपकी सृजनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और आप जाएंगे इस कवि की ओर। यार हाँ, देखिए यहाँ पर बच्चों कवि का नाम क्या है? सुमित्रा नंदन पंत। देखिए यहाँ पर प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी जो है प्रकृति की बेजोड़ कवि माने जाते हैं और इनका जन्म सन 1970 में हुआ है, वो भी अल्मोड़ा में हुआ है। और इनकी साहित्यिक रचनाओं के लिए यहाँ पर देखिए मैंने एक कवि परिचय तैयार किए हैं, इसके माध्यम से हम कवि परिचय देखेंगे। देखिए पाठ का नाम है बरसते बादल और इनका कवि का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। कवि परिचय में देखिए, कवि का नाम सुमित्रा नंदन पंत है और जन्म 1900 अल्मोड़ा में हुआ है और मृत्यु 1977 में हुआ है। रचनाएं, इनकी साहित्यिक रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या, कला और बूढ़ा चांद और बहुत सारे कहानियाँ लिखे हैं इन्होंने। पुरस्कार, पुरस्कार यानी जो भी अवार्ड्स इन्हें मिले हैं,
देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, तेलुगु में हम लोग कहते हैं साहित्य अकादमी और हिंदी में हम लोग कहेंगे साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत रूस और ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए यहाँ पर चिदंबरा काव्य रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और इनकी विशेषता प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाते हैं। देखिए बच्चों इस माध्यम में आपको मैं क्यों दिए, तो हम लोगों को 4 अंकों के लिए प्रश्न आएगा, कवि परिचय दिया जाएगा। तो कवि परिचय के लिए इस रूप में लिखेंगे तो ये हमारे लिए आसान होगा और अभ्यास यानी रटने के लिए भी आसान होगा। तो आज के लिए यही हमारा क्लास है। नमस्कार बच्चों।